स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती 2022 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है वो निकल के आ रही है। राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसकी परीक्षा तिथि को लेकर, और दोस्तों अब इसकी जो योग्यता है उसमें बदलाव किया गया है। जी हाँ दोस्तों, योग्यता में बदलाव कर दिया गया है। पहले जो योग्यता दोस्तों आपको 5वीं पास थी, अब वो योग्यता आपकी 10वीं पास कर दी गई है, यानी कि 10वीं पास छात्र इसमें फॉर्म भर पाएंगे। योग्यता को लेकर दोस्तों पिछले 3 बार वित्त विभाग ने ये फाइल है वो लौटा दी थी, जो फाइल भेजी जा रही थी बोर्ड के द्वारा राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती के विज्ञप्ति को जारी करने को लेकर, क्योंकि दोस्तों 5वीं पास योग्यता को लेकर वित्त विभाग का कहना था कि 5वीं पास युवा बहुत हैं, इसीलिए आप इसकी योग्यता में बदलाव करें। और राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती लगभग 20 साल से आयोजित नहीं हुई है दोस्तों, और 1999 के जो नियम थे उनमें संशोधन करके द्वारा से विज्ञप्ति अब भेजी गई है। तो ऐसे में दोस्तों अब शायद आपकी विज्ञप्ति को दोस्तों जो है मंजूरी है वो मिल जाएगी बोर्ड के द्वारा, क्योंकि 2022-23 का जो बजट था दोस्तों उसमें चपरासी भर्ती मंजूर की गई थी। चपरासी भर्ती की यहाँ पर दोस्तों बताया गया था, ये देख सकते हैं 18,000 पदों पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती से संबंधित विधानसभा में घोषणा की थी। शिक्षा मंत्री ने बताया था कि चपरासी भर्ती के पदों पर सरकारी स्कूलों में भर्ती जल्द आयोजित की जाएगी। अभी हाल ही में दोस्तों 3828 स्कूलों को कक्षा 10वीं से लेकर जो कक्षा 10वीं तक के स्कूल थे उनको 12वीं में प्रमोट कर दिया। तो ऐसे में वहाँ पर चपरासी की दोस्तों ज़रूरत पड़ेगी। 18,381 पद बताए जा रहे हैं दोस्तों, इन पदों पर दोस्तों आपकी भर्ती परीक्षा का आयोजन है वो किया जाएगा। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो दोस्तों इसके ऑनलाइन फॉर्म को लेकर जो अपडेट आ रही है वो आपके दोस्तों जुलाई अगस्त में ही इसके फॉर्म भरे जाएंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटसरा ने बताया कि विधानसभा में 25,000 चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरे जाने को लेकर घोषणा की गई थी, जिनमें से 18,000 पद आपके रहने वाले हैं चपरासी भर्ती के। वहीं दोस्तों इसमें बदलाव भी किया जाएगा, शैक्षणिक योग्यता जो 5वीं पास थी उसको बदल दिया गया है, 10वीं पास कर दी गई है, नियमों में बदलाव की ज़रूरत थी। और साक्षात का जो इंटरव्यू था दोस्तों उस पर भी सवाल उठाए थे, उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। अब आपका दोस्तों एक एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद दोस्तों आपकी वरीयता सूची के आधार पर या फिर कट ऑफ लिस्ट के आधार पर आपको इस जॉब में दोस्तों सिलेक्शन मिल जाएगा। तो 18,381 पदों के लिए परीक्षा का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, जल्द ही वित्त विभाग इस भर्ती के संबंध में मंजूरी देने का आदेश मिलेगा। इसके बाद राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी होगा और इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा तिथि की बात करूं तो दोस्तों 2023 तक ये पेपर आयोजित हो पाएगा और इसकी एग्जाम डेट आपकी नोटिफिकेशन के साथ क्लियर हो जाएगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आयु सीमा की बात करूँ तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के छात्र छात्राएं के लिए भी इसमें पोस्ट रहेंगी दोस्तों, महिलाएं पुरुष दोनों के लिए पोस्ट रहेंगी, दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।